खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहीद मदनलाल ढींगड़ा खेल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए छात्रों के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। एक छात्र को हमलावरों ने सुए से घायल कर दिया। घायल सचिन निवासी खेड़ी दमकन को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में मोहित निवासी जागसी और अमित निवासी हसनगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन द्वारा उपमंडल स्तर पर शहीद मदनलाल ढींगड़ा खेल स्टेडियम में समारोह आयोजित किया था। समारोह को देखने के लिए स्टेडियम में शहर और गांव से युवा पहुंचे। इसी दौरान स्टेडियम परिसर में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। कुछ छात्र हाथों में बैट लेकर दौड़ रहे थे। इसी झगड़े में एक छात्र ने बर्फ तोड़ने वाला सुआ जेब से निकाला और छात्र सचिन पर हमला कर दिया। एक सप्ताह पहले हुआ था सचिन के साथ झगड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सचिन के साथ करीब एक सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था। रविवार को जैसे ही सचिन को खेल स्टेडियम में देखा तो मोहित को फोन करके स्टेडियम में बुला लिया। आरोपी सचिन के पास पहुंचे और उस पर हमला कर दिया। इसे देख अन्य छात्र भी वहां पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि हमलावरों के साथ साथ कौन कौन छात्र शामिल थे इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। K9 मीडिया के लिए गोहाना से अमित संबरवाल की रिपोर्ट। ये जी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम था उसमें मदनलाल ढींगड़ा स्टेडियम में। तो जैसे ही गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हुआ तो उसी दौरान बच्चों का झगड़ा हो गया वहाँ पर। तो वहाँ पर एक को पकड़ा गया है जिसका नाम है मोहित भुजेंद्र है जागसी। तो उनकी आपस में कुछ लड़कों की आपस में कहा सुनी होती थी तो उसने उनका जो लड़ाई झगड़े में एक को काबू कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शरीर की कोई पहले से भी चली हुई थी ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा जी उनकी पहले से क्या चल रही थी क्या नहीं। सुबह तो तीन गिरफ्तार किए थे सर वहाँ से। नहीं अभी एक को गिरफ्तार किया जी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही होगा तो